रॉबर्ट वाटर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं सिद्धि विनायक मंदिर में। सर दर्शन करने के लिए आप आए हैं, मानसून है, बारिश हो रही है, कैसे रहा दर्शन आपका? बहुत ही बढ़िया दर्शन रहा। जैसे मैंने बोला है, मैं देश भर में अपना धार्मिक दौरा करता हूँ और सिद्धि विनायक एक बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं मुंबई महाराष्ट्र आता हूँ तो मैं जरूर सिद्धि विनायक आकर यहाँ अपने दर्शन यहाँ देता हूँ और मतलब सबकी दुआएं मिलती हैं। और मैं स्पेशली सोनिया जी की तबीयत के लिए मैं यहाँ प्रेयर करने आया था और बहुत खुशी हुई मुझे मिलकर। और यहाँ लड्डू बांटे हैं और आशीर्वाद मिला है कि बारिश हुई है तो बहुत स्पेशियस है मुझे लग रहा है। और लोग भी बहुत खुश होते हैं यहाँ देखकर मुझे, क्योंकि मैं अक्सर आता हूँ यहाँ तो लोग अब पहचानते हैं और जरूर मैं लड्डू वगैरह मैं बांटता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति की चर्चा हमेशा होती रहती है, हर जगह दर्शन के लिए आप जाते हैं, पर अभी क्योंकि दर्शन के बीच में जो घटनाक्रम चल रहा है खास हो जाता है, एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इसको लेके कुछ कमेंट कीजिएगा, पॉलिटिकल कमेंट्री आप करते हैं जो भी चल रहा था उसको लेके, महाराष्ट्र में जो घटा है उसको लेके कुछ कहिएगा पॉलिटिकल। देखिए मैं राजनीतिक चीजों से दूर रहता हूँ ज्यादातर, पर मुझे यही लग रहा है जो धर्म की राजनीति हो रही है ये गलत है। हमें सेक्युलर रहना चाहिए और हर फेथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा डाइवर्स कल्चर है, हेरिटेज है और बिल्कुल धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहिए। और अगर बीजेपी के लोग ऐसे गलत चीज बोलते हैं जिससे कम्युनल इशू बढ़ता है, लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे को लग रहा है जो बीजेपी के लीडर हैं उनको अपने सहयोगियों को रोकना चाहिए ऐसी चीजें बोलने से और माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ऐसे किया है। और मैं कहूँगा कि जो हादसा भी हुआ है वो भी गलत है, हमें थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए और मतलब कि इस तरीके के हादसे नहीं होने चाहिए। मैं उदयपुर की घटना को भी लेकर सर काफी सवाल करूंगा जी। हाँ, उसी की बात कर रहा था मैं कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे को अफसोस है उनके परिवार के लिए और धर्म को बिल्कुल राजनीति में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो जरूर इश्यू होगा और इससे दूर रहना चाहिए। बस आखिरी सवाल से, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, अभी गठबंधन थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस भी उसका हिस्सा थी, इस पूरे घटनाक्रम में क्या आपको लगता है कांग्रेस विमिन सिचुएशन में थी कि जो कुछ घटा तो सत्ता से भी कांग्रेस चली गई, इसके लिए कांग्रेस की क्या कमेंट रहेगी? कांग्रेस तो हमेशा लोगों के लिए सोचती है ज्यादातर और लोगों के साथ रहती है। और मेरा परिवार जब भी किसी का भी कोई समस्या होता है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस है जो मतलब कि महाराष्ट्र या पूरे देश में सेक्युलर या सेक्युलरिज्म फिर से ला सकती है और सबको एकजुट होकर आगे बढ़ा सकती है। एक आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि जिस तरीके से उदयपुर में जो घटना घटी उसको लेके हम जब मॉब लिंचिंग देखते थे कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर लेती थी, अब जब कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां ये घटना घटी है तो कोई उसे हादसा कह रहा है, कोई उसे कुछ कह रहा है, इसे कैसे देखेंगे आप? मैं फिर से बोलूंगा, चाहे कहीं भी हो देश भर में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, धर्म की राजनीति और ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। ऐसे ये होंगे, अगर कोई भी लीडर किसी भी रिलीजन के बारे में गलत बोलेगा तो वो लोग जरूर उठेंगे, आंदोलन होंगे। तो बहुत क्लियर है, अगर आंदोलन रोकना है तो ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए और जिन्होंने बोला है माफी मांगे देश से और दोबारा ऐसे हादसे ना बोले कि हादसे ना बढ़े ऐसे। और वाटरा जी है जो अपनी पूरी बात रख रहे हैं, दर्शन करके सिद्धि विनायक मंदिर से अभी निकले हैं। प्रेम सिंह कहते हैं अजय दुबे, एपी न्यूज़, मुंबई। थैंक यू सर।